दोस्तों, क्या आपने शादी के ऐसे रिवाज के बारे में सुना है जिसमें दुल्हन की माँ को दूल्हे के साथ सोने को कहा जाता है, और एक ऐसा भी रिवाज है जिनमें दुल्हन के कपड़े उतारे जाते हैं, और एक रिवाज में तो लड़के को कुत्ते के साथ शादी करने को कहा जाता है। तो आइए आज हम आपको दिखाएंगे दुनिया भर के देशों के शादी के कुछ ऐसे अजीबोगरीब रीति रिवाजों को जिनको शादियों के दौरान निभाया जाता है। ये परंपराएं इतनी उल्टी और विचित्र है कि सुनकर ही आपका दिमाग हिल जाएगा। नंबर एक, दुल्हन के कपड़े उतारना। विश्व के सबसे विकसित देश चीन में ये बेहद ही अनोखी परंपरा निभाई जाती है, जिसमें किसी दुल्हन की शादी में जाने के बाद दूल्हे के दोस्त दुल्हन के कपड़े उतारते, और ये कोई नहीं जानता कि ये परंपरा बेहद ही शर्मनाक है। लेकिन अगर कोई महिला इस परंपरा को निभाने से इनकार भी करती है तो ऐसी मान्यता है कि उसका विवाहित जीवन जल्द ही खत्म हो जाता है। यही वजह है कि ना चाहते हुए भी दुल्हन इस परंपरा को निभाती है। नंबर दो, दुल्हन की माँ और दुल्हन के साथ सोना। अफ्रीका के कुछ गांव में एक बेहद अजीबोगरीब प्रथा का पालन किया जाता है। यहाँ शादी की रात पर शादीशुदा कपल के साथ दुल्हन की माँ भी सोती है। दुल्हन की माँ इसीलिए कपल के साथ पहली रात सोती है जिससे कि वो अपनी बेटी को बता सके कि उस रात क्या करते। कई बार दुल्हन की माँ की जगह कोई और बुजुर्ग महिला साथ में सोती है जो दोनों को वैवाहिक जीवन से जुड़ी कई बातें समझाती है। माना जाता है कि आज के वक्त में भी ये मान्यता अफ्रीका में निभाई जाती है। शादी की रात के अगले दिन बुजुर्ग महिला घर के अन्य बुजुर्गों को भी बताती है कि कपल ने अपने वैवाहिक जीवन की शुरुआत सही ढंग से की है या नहीं। जानवरों से शादी। हमारे देश भारत में भी कुछ राज्यों में गांव में महिलाओं की जानवरों से शादी कराने की परंपरा भी बेहद आम बात है। ये परंपरा महिला एवं पुरुष दोनों पर ही लागू होती है। इसका मूल वजह यह है कि महिलाएं पुरुष के जीवन में मांगलिक दोष का होना। ऐसा कहा जाता है कि मांगलिक दोष वाले व्यक्ति या महिला की शादी पहले किसी जानवर से करा दी जाए तो उसका वैवाहिक जीवन सुख शांति से संपन्न रहता है। लड़की को शादी से पहले भगाकर ले जाना। टाटो पाड़ो भारत की इकलौती ऐसी प्रजाति है जिसमें एक विवाह को तब तक माना नहीं जाता जब तक कि वह एक साल तक लड़की को अपने साथ रखकर एक बच्चा प्राप्त न कर ले, वरना इस प्रजाति में ऐसा ना करने से शादी को शादी नहीं माना जाता। सच ये है कि जिस किसी लड़के को किसी लड़की से शादी करनी होती है तो वे उस लड़की को रात में लेकर भाग जाता है और उसे अपने साथ रखता है तथा दोनों संबंध बनाते हैं। लड़के और लड़की के माता पिता ऐसा करने से बहुत खुश होते हैं। वहाँ के लोग इस परंपरा पर पूरी तरह से विश्वास करते हैं और बखूबी निभाते हैं। दुल्हन को कमरे से किडनैप कर लेना। ये रिवाज है फ्रांस का, जहाँ नए जोड़े के दोस्त या रिश्तेदार आकर रात में उनके कमरे और घर के बाहर आवाज निकालना शुरू कर देते हैं, वो गाना बजाना शुरू कर देते हैं। उसके साथ ही साथ वहाँ पर जोर जोर से ड्रम भी बजाए जाते हैं। नए दूल्हा दुल्हन को घर से बाहर आकर उन्हें खाना पीना और कई मामलों में पैसे भी देने पड़ते हैं। इतना ही नहीं, कई बार तो अगर दूल्हा दुल्हन इन आगंतुकों को इग्नोर करे तो कई बार ये लोग घर में घुसकर दुल्हन को उठाकर ले जाते हैं। दुल्हन को गंजा करके थूकना। केन्या में मसाई जाति के लोग जब अपनी बेटी की शादी करती है तो शादी के दिन अपनी बेटी का सर मुंडवा देते हैं। इसके बाद लड़की के ऊपर थूका जाता है, इसे वे आशीर्वाद कहते हैं। वैसे आमतौर पर थूकने को कहीं भी अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन मसाई लोग अपनी इस परंपरा को सौभाग्य का प्रतीक मानते हैं। और साथ ही आपको ये भी बता दे कि समुदाय में शादी की रात से पहले दूल्हा अपनी होने वाली बीवी का चेहरा नहीं देख सकता, यानी दुल्हन का चेहरा देखो सीधा शादी की रात। नंबर सात, 3 दिन तक बाथरूम नहीं जा सकते दूल्हा दुल्हन। ये बहुत ही अजीब रिवाज है, लेकिन बोर्नियो की टिडोंग जाति के लोगों का रिवाज है। उन्हें 3 दिन तक बाथरूम नहीं जाने दिया जाता, यानी उन्हें खाना पीना भी नाक के बराबर ही दिया जाता है। इसके अलावा उन पर पहरा देने के लिए समाज के बड़े बुजुर्ग मौजूद रहते हैं। ऐसा माना जाता है कि अगर ये लोग शादी के तुरंत बाद बाथरूम गए तो उन्हें बहुत बदनसीबी का सामना करना पड़ेगा।